गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों, आज हम केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में हैं और हम आज आपको रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोगशाला संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग संबंधी और प्रैक्टिकल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपयोग उपकरणों की जानकारी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉयलिंग ट्यूब्स। ये हमारी बॉयलिंग ट्यूब्स, जिसे हम परख नली कहते हैं। इस परख नली में हम किसी विलयन को या किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं। तो इस प्रकार से इस परख नली में हम जो है गर्म करते हैं सॉल्यूशन को। आप देख रहे हैं इस परख नली में बहुत सारा मटेरियल इस परख नली के अंदर जो है समाया हुआ है, अर्थात ये परख नली साफ एवं सूखी नहीं है। इसलिए हमेशा हमें परख नली साफ एवं शुष्क ही प्रयोग में लानी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं परख नली को जब हम बर्नर पर या किसी स्पिट लैम्प के माध्यम से जब हम गर्म करते हैं, तो हमेशा परख नली को एक होल्डर के माध्यम से पकड़ना चाहिए और गर्म करना चाहिए। तो ये हम देख पा रहे हैं कि एक परख नली को कैसे एक होल्डर के द्वारा होल्ड करके इसको गर्म किया जाता है। इस प्रकार करने से हमारे हाथ में गर्माहट या किसी अप्रिय घटना से हम दूर रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं परख नली, साथ में परख नली होल्डर जो परख नली को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो परख नली और परख नली होल्डर के बाद हम बात करते हैं परख नली स्टैंड। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का ये परख नली स्टैंड है। इस पर दो प्रकार से परख नलियां हमारी जो है बैठाई जाती हैं या फिर रखी जाती हैं। आप देख रहे हैं इसमें दो तरह से, एक तो इसमें ये भरी हुई टेस्ट ट्यूब को इस प्रकार से होल्ड में रखा जाता है, और दूसरा ये कि कोई अगर खाली टेस्ट ट्यूब हो तो इसकी दूसरी तरफ इन पिलर्स पर इसको परख नली को उल्टा करके इस तरह से रखा जाता है। तो परख नली, परख नली स्टैंड और परख नली होल्डर के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम किसी लिक्विड या किसी अम्ल के जलीय विलयन को एक जगह से दूसरी जगह या एक नली से या एक नली से दूसरी नली में अगर डालना हो, मिलाना हो, तो उसको हम ड्रॉपर कहते हैं। इस तरह से ये ड्रॉपर है। इस ड्रॉपर के माध्यम से इस तरह से हम किसी लिक्विड को इसमें भर करके किसी दूसरी चीज़ में हमें डालना या मिलाना होता है, तो हम इसको इस तरह से हम डालते हैं। ठीक है, तो ड्रॉपर। इसके बाद आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी एक कांच की एक छोटी सी नली देख रहे हैं, एक जिसको हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी लवण के विलयन को इसको हीट करते हैं। तो इस प्रकार से ये इग्निशन ट्यूब के नाम से जानी जाती है, एक छोटी सी कांच की नली होती है जिसमें किसी केमिकल्स को बॉयल किया जाता है, जिसके द्वारा हमें बॉयलिंग पॉइंट और उसके मेल्टिंग पॉइंट का अध्ययन होता है, पता चलता है। आइए इसके बाद में हम बात करते हैं, जब किसी टेस्ट ट्यूब को या नली को जब हम गर्म करते हैं तो उसके लिए हम किसी स्प्रिट लैम्प या फिर किसी ज़्यादा हीट करना होता है तो उसके लिए हम गैसीय बर्नर का प्रयोग करते हैं। ये गैसीय बर्नर है और ये स्प्रिट लैम्प है। इसमें स्प्रिट लैम्प में स्प्रिट के माध्यम से इसको हीट करते और जलाया जाता है। साथ ही यहाँ देख रहे हैं जब किसी टेस्ट ट्यूब में किसी प्रकार का कोई अवक्षेप, इस तरह से किसी कोई प्रकार का अवक्षेप अगर इसमें होता है, तो हम इस बुरुश के माध्यम से उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब को साफ करने वाला बुरुश होता है जिसके माध्यम से सभी परख नलियों को हम साफ करते हैं। इसके बाद में किसी इग्निशन ट्यूब को अगर हमें होल्ड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम टोंग बोलते हैं, इस टोंग के माध्यम से किसी भी इग्निशन ट्यूब को होल्ड करके हम हीट करते हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और उपकरणों को देखते हुए। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कांच का वाच गिलास रखा है, इसे हम वाच गिलास कहते हैं, जिसके द्वारा स्पिचुला के द्वारा जिसमें किसी लिक्विड को हम इस ट्रांसपेरेंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसके द्वारा ये आप देख रहे हैं ये कांच की प्याली जो देख रहे हैं आप,
इसे हम चाइना प्याली कहते हैं, चाइना मिट्टी से बनी होती है, ये चाइना प्याली है, ठीक है। इसके बाद तमाम प्रकार के बीकर्स भी प्रयोगशाला में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें बड़े बीकर्स को छोटे बीकर्स नाप के हिसाब से यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इसी क्रम में एक फ्लास्क रखा हुआ है, ये कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, जिसकी सतह या बॉटम जो होता है वो कॉनिकल होने के कारण इसे कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ मीजरिंग गैस जार होते हैं या जार होते हैं जो अलग अलग मीजरमेंट के होते हैं। आइए छात्रों, अब हम आपको बताते हैं कि एक सामने एक बड़ा सा इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, जिसे हम ब्यूरेट स्टैंड कहते हैं, जिसका उपयोग केमिस्ट्री के टाइट्रेशन प्रैक्टिकल में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका उपयोग किसी लवण की सांद्रता या मूलरता को ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये ब्यूरेट है, और ये ब्यूरेट स्टैंड पर ये कसा हुआ है, इसे हम ब्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक कीप लगी हुई है, इसका पूरा जो है डिटेल्स हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो और यहाँ आप आगे चलते हैं, आगे बताते हैं कि ये तार की जाली, ये ट्राइपोड स्टैंड है, जो हमारे स्पिरिट लैंप पर या फिर इस पर रख करके इसको गर्म किया जाता है। ये हमारा स्पिरिट है, जो हमारे स्पिरिट लैंप में जो है डाल करके इसको स्पिरिट लैंप यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिटमस पेपर, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। ये सामने हमारी एक रासायनिक तुला देख रहे हैं, ये रासायनिक तुला है, जिससे रसायन विज्ञान में कुछ केमिकल्स को मीजर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग भी केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में करते हैं। इस प्रकार से ये तमाम इंस्ट्रूमेंट आपने देखे, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है हम प्रयोगशाला में यूज़ करते हैं। तो आपको हमारी तरफ से ये बहुत बहुत जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे द्वारा दी गई। धन्यवाद।